पाकिस्तान की खूबसूरत सबसे मशहूर फीमेल यूट्यूबर अलीजा सैर ने खुद को खत्म करने की कोशिश क्यों की? अलीजा सैर के भाई ने सब कुछ उगल दिया। नाजरीन, सोशल मीडिया के साथ साथ बोर एंटरटेनमेंट चैनल ने ये खबर ब्रेक की है कि मशहूर और मरूफ खूबरू यूट्यूबर्स टिकटॉकर अलीजा सैर ने अपने आप को खत्म करने की कोशिश की है, जिसके बाद तश्वीशनाक हालत में वो अस्पताल में मौजूद है। ऐसा करने की जरूरत क्यों पेश आई? अलीजा सैर से जब हमने ये जानने की कोशिश की तो पता चला कि एक वीडियो कॉल लीक हुई है, जिसमें अलीजा सैर काबले इतराज हालत में अपने किसी दोस्त के साथ बात कर रही थी, जिसकी कॉल रिकॉर्डिंग को उसके दोस्त ने लीक कर दिया और उसके बाद ये खबर गर्दिश करने लगी। अलीजा सैर ने अपने आप को खत्म करने के लिए इंतहाई कदम उठा लिया। लेकिन नाजरीन, ये बात जहन में रहे, पाकिस्तान का सोशल मीडिया अताउल्लाह इसा खेलवी को 4 दफा मार चुका है। वाजिद बगदादी भी सोशल मीडिया पर कई बार अल्लाह को प्यारे हो चुके हैं। वेला मुंडा से मुतल्लिक भी ऐसी खबरें गर्दिश करती रहती हैं। अलीजा सैर से मुतल्लिक जब मेरी टीम ने उनके भाई ओन से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ नहीं है, ये बिल्कुल फेक न्यूज है। मेरे कॉलर दोस्त ने फिर ओन से कहा कि ये खबर तो बोल मीडिया चैनल वालों ने भी चलाई है, तो उसका फिर यही कहना था कि भाई ये सरासर गलत खबर है, ऐसा कुछ भी नहीं। तो यूट्यूबर्स और फेसबुक चलाने वालों से ये गुजारिश है, अपने आधा किलो गोश्त के लिए बराए मेहरबानी किसी की बकरी ज़बह ना किया करे। अपने चंद व्यूज लेने के लिए आप कितनी बेदर्दी से किसी न किसी को रोजाना मार देते हैं, और वो बेचारा अगले ही दिन अपने जिंदा होने का सबूत देने के लिए कसमें खा रहा होता है, भाई मैं जिंदा हूँ। तो इसी तरह अल्लाह करे कि अलीजा सैर से मुतल्लिक जिस तरह बताया गया है ये खबर फेक हो, अल्लाह करे ऐसा ही हो। आखिर भी मैं यही कहूँगी कि हमारी तमाम सोशल मीडिया यूजर फैमिली से गुजारिश है, वो अपनी लाइफ जैसे चाहे गुजारे, लेकिन इतनी हद तक ना गिरे फिर आपको जमाने की बदनामी शर्मिंदगी से बचने के लिए कोई रास्ता ही ना मिले, और अपनी ही जिंदगी के खात्मे के लिए ऐसे ऊट पटंग कदम ना उठाएं। अपनी मेजबान फातिमा शहजादी को न्यू पॉइंट के साथ इजाजत दीजिए। अल्लाह निगेबान।